कोरोना को हराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कमर कस ली है। हिंदुस्तान में कोरोना ने बेशक 100 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कोरोना को हराने के लिए एकजुट है। कोरोना के खिलाफ इस मुहिम में हिंदुस्तान ने अपने साथ सार्क के बाकी 7 देशों को भी जोड़ लिया है। प्रधानमंत्री ने सार्क के सभी 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित करते हुए कोरोना को हराने का मूल मंत्र समझाया। Let me briefly share India's experience of combating the spread of this virus so far. Prepare, but do not panic, has been our guiding mantra. Prepare, but do not panic, has been our guiding mantra. We were careful to not underestimate the problem, but also to avoid knee-jerk reactions. पीएम मोदी ने सार्क देशों से जानकारी साझा करते हुए कहा कि कैसे भारत विदेशों से करीब 1400 भारतीयों को सुरक्षित वापस लेकर आया और जनवरी से ही एहतियात और जांच शुरू हो गई थी। COVID-19 has recently been classified by the World Health Organization (WHO) as a pandemic. So far, our SARC region has listed fewer than 150 cases, but we need to remain vigilant. Our SARC region is home to nearly 1/5 of all humanity. मोदी ने बारी बारी से सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों और पाकिस्तान के प्रतिनिधि को कोरोना के खिलाफ अपनी रणनीति साझा करने का मौका दिया। In the province of Herat is become the central node for preventing the spread and diffusion of this deadly disease to the rest of South Asia. We need to devise a strong self-wide strategy to fight this public health threat and to protect our citizens. We successfully prevented entry of the virus through strong surveillance and rigorous checkup at all international airports, sea ports and land ports. कोरोना के COVID-19 वायरस के खिलाफ दुनिया ने जंग छेड़ दी है। भारत समेत सार्क के 8 देश भी उसमें शामिल हैं। सार्क के लिए ये जरूरी भी है क्योंकि दुनिया की 21% आबादी इन्हीं 8 देशों में रहती है। जी हाँ, खतरा बड़ा है तो उससे मुकाबले की तैयारी भी उतनी ही होनी चाहिए।